नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस ऑडियो फाइल में हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, क्योंकि झीलों का चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। देखते हैं, मैं एक साथ बता दूंगा जिस राज्य में जितनी भी झीलें हैं। देखिए, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों वुलर झील, डल झील, पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक, अब क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है तो वो लद्दाख में पड़ती है आई थिंक, ठीक है। अब उसका जगह चेंज हो गई है। आगे है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल झील है जो कि बहुत ही फेमस है। भीमताल है, ये भी बहुत ही फेमस है क्योंकि दोनों ही क्या है, पर्यटन स्थल है। केरल राज्य, केरल राज्य में वेम्बनाद झील है, कयाल झील है और अष्टमुदी झील है। कयाल झील के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि समुद्र के किनारे होती है, जो क्या होता है, समुद्र की जो लहरें हैं वो उसमें बार बार पानी धकेलती रहती हैं। इस तरह का जो झीलें होती हैं उनको कयाल बोलते हैं। केरल में पश्चिमी तट पर है, उसको कयाल बोलते हैं। कयाल कई सारे हैं पश्चिमी तट पर। फिर आता है आगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील है, बहुत ही फेमस है, और पुलिकट झील भी बहुत ही फेमस है। फिर है राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील है, बहुत ही फेमस है, ये भी सभी को पता है नमक के लिए। पुष्कर झील है, पुष्कर भी बहुत ही फेमस जगह पर है, मेला लगता है पुष्कर का, ब्रह्मा का मंदिर है वहां पर, ठीक है। और नक्की झील भी राजस्थान में ही है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील के बारे में एक बात मैं एक्स्ट्रा बता दूं आपको कि यह किसी उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है, यानी कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि वो आज झील के रूप में जाना जाता है। उसमें पानी इकट्ठा रहता है और वह समय समय पर अपना रंग भी बदलता रहता है। कुछ ही दिन पहले वो सुर्खियों में था, लोनार झील का पानी का रंग बदल गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील है, ये भी बहुत प्रसिद्ध झील है, ठीक है। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि इसमें रहते भी हैं लोग, छोटे छोटे वहां पर तैरने वाले घर बनाकर लोकट झील में, ठीक है। वहां पर शिकार करते हैं मछलियों का गोल चक्कर से बनाकर, आपको देखनी चाहिए एक बार, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं कोलकाता। कोलकाता में साल्ट लेक है दोस्तों, साल्ट झील है, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा में चिल्का झील है, ये तो सभी को पता है आमतौर पर तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है, सुखना झील है। सुखना झील है, पर्यटन स्थल है ये भी, एक तरह का ये भी बहुत ही परिचित है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है परशुराम कुंड। परशुराम कुंड नामक झील है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको इसमें एक झील है जिसका नाम है निजाम सागर झील, ठीक है। निजाम जो पहले निजाम होते थे अंग्रेजों के समय में, राजा महाराजाओं के समय में, उसी के टाइम के नाम है ये निजाम सागर। निजाम सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद में। और निजाम सागर झील मेरे ख्याल से ये दो शहरों को मिलाती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है। नहीं, वो एक झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को मिलाती है हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर भी वहीं पर है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को मिलाती है, ठीक है। एक निजाम सागर अलग से है। फिर है मेघालय। मेघालय में उमियम झील है दोस्तों, मेघालय में उमियम झील है। और लास्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है दोस्तों, फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। तो ये थी मुख्य मुख्य परीक्षा के मद्देनजर झीलें। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।